नमस्कार, आपण पाहताय सिरीज लाईव महाराष्ट्र। समाजावर आधारित द ॲडमिन ए ट्रू स्टोरी फिल्मला लोकांचा भरभरून प्रतिसाद। HUPM मध्ये शिकलेल्या विद्यार्थ्यांची संकल्पना, पद्मश्री प्रभाकर वैद्य यांच्या आशीर्वादाने प्रिया टॉकीजमध्ये फिल्मला सुरुवात करण्यात आली। भारतातील नामांकित अमरावती येथील HUPM मधील शिकलेल्या विद्यार्थ्याने तब्बल 20 वर्षांनी आपले स्वप्न साकार करून समाजावर आधारित द ॲडमिन ए ट्रू स्टोरी अशी फिल्म करावी अशी संकल्पना मनामध्ये घेऊन मित्रांच्या सहाय्याने फिल्म तयार केली। या फिल्मला अमरावती वासियांचा मोठा प्रतिसाद सुद्धा मिळत आहे। या सिनेमासाठी सतीश कुमार व सुरेश कुमार यांना तब्बल 3 वर्ष प्रतीक्षा करावी लागली, कारण कोरोनामध्ये ही फिल्मला सुरुवात करण्यात आली होती, पण काही कारणामुळे सिनेमा तयार होऊ शकला नाही। त्यानंतर थेट HUPM मध्ये शूट करण्यात आली। या फिल्ममध्ये समाजावर आधारित होणाऱ्या घडामोडी व आधारित फिल्म काढण्यात आली। या फिल्मविषयी प्रभाकर वैद्य यांनी सर्व ॲक्टर, प्रोड्युसर व डायरेक्टर यांचे भरभरून कौतुक केलेले आहे। सी न्यूजसाठी सुयोग गोरले, अमरावती। और ऊपर बैठे हमारे पॉलिटिकल पार्टियां, हमारे धर्मगुरु क्यों चलाते हैं कि नहीं आप ऐसे यूज करो, और हम उनके बहकाव में आकर सब गड़बड़ करे जा रहे हैं। मुझे तो ना आपके काम करने का ना तरीका ही समझ में नहीं आता। कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुसलमान बन जाता है, कोई कांग्रेसी बन जाता है, कोई भाजपाई बन जाता है। भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे के बाद से वर्तमान में जारी 500 और 1000 के नोटों को रद्द किया जाता है। प्रधानमंत्री नहीं है, तानाशाह है। तानाशाह जब जब देखे नए नए फरमान सुनाता रहता है। भारत सरकार ने कश्मीर से धारा 370 और 35 हटा दी। प्लॉट ही प्लॉट, रजिस्ट्री ही रजिस्ट्री, और कश्मीर की लड़कियां आपसे शादी करने को उतावली बैठी है। जोड़ने की बात करो भाइयों, तोड़ने की नहीं। हम सब भारतीय हैं। जय हिंद। जातिवाद, धर्मवाद खत्म हो और एक नई विचारधारा का जन्म हो जिसमें सब इंसान बने। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब यहाँ पर इकट्ठा रहते। बहुत ही अच्छा मिसाल है भारत के लिए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं उसके, ये गुलिस्तान हमारा। वजूद ढूंढे ना किसी के बाड़े के, हार नहीं मानेंगे हम शागिर्द अखाड़े के। यादों ने बांधा है तेरे मेरे डोर को। यादों अमरावती वासियों को मेरा नमस्कार। मैं सतीश कुमार, मैं दिल्ली से हूँ, और अमरावती में HUPM कॉलेज में लगभग 25 साल पहले हम पढ़ाई करते थे, और यहाँ देश भर के जितने भी स्टूडेंट हम थे वो एक यहाँ से पढ़ाई करने के बाद हम अलग हो गए, बिछड़ गए, और काफ़ी सालों बाद हमारा आपस में जुड़ाव हुआ सोशल मीडिया के तहत। तो मैं एक राइटर हूँ और फिल्म बनाना चाहता था, तो मेरे जहन में एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया कि मैं सभी अपने दोस्तों को लेकर और एक जो सच्ची कहानी हमारे जीवन की उसके ऊपर हम फिल्म बनाए। हमारी फिल्म कई पहलुओं को छूती है। ये एक पारिवारिक फिल्म भी है जिसमें परिवार की कहानी है, पति पत्नी की कहानी है, पिता पुत्र की कहानी है, और इसके अलावा सभी जो मेरे साथ पढ़ते थे उन दोस्तों की कहानी है। इसका टाइटल क्या है, क्या बताएंगे? फिल्म का टाइटल है द ॲडमिन ए ट्रू स्टोरी। इसको बनाने में आपको कितने दिन लगे? ये फिल्म बनाने में लगभग 2.5 साल का समय लगा है, और ये फिल्म बनाने के लिए मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत सहयोग किया। इसके अलावा अमरावती में अपने कॉलेज में HUPM कॉलेज में हमारे सर प्रभाकर राव वैद्य सर, जिन्हें हम स्नेह से, इज्जत से, प्रेम से ताऊ सर बोलते हैं, उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया, और साथ में माधुरी मैडम जी ने बहुत हमारा सहयोग किया। इस मूवी को देखने के लिए लोगों का कैसा प्रतिसाद आया, क्या इस बारे में क्या बोलिए? लोगों की भावनाएं फिल्म से जुड़ रही है, लोगों को लग रहा है कि ये हमारे जीवन से रिलेटेड कहानी है, और मतलब वो अपने से कहीं ना कहीं कनेक्टेड पाते हैं फिल्म। धन्यवाद सर।